ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ट्री क्या है, लियो। तो एल से हो गया लॉस और ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर इसका मुंडी पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुई। एरो के हेड साइड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाते, तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो सोडियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। ये सेकेंड बी ग्रुप का है, इसीलिए इसके मुंडी पर हमेशा 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिंक न्यूट्रल आइटम है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, तो लॉस करने से मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये हमारा क्या है, Fe2+, इसको क्या बोलते हैं प्यार से, फेरस आयन। Fe2+ को बोलते हैं फेरस आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, इसलिए Fe2+ से Fe3+ बन गया। और Fe3+ का नाम है फेरिक आयन, फेरिक आयन। ये हमारा क्या है, रिडक्शन। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, जर। तो जी से हो गया गेन और ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और आर से रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसके मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का एक आइटम, इसलिए बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। तो यहाँ पर -2 चार्ज है, इस क्लोरीन के ऊपर मुंडी पर चार्ज क्या है, 0। तो यहाँ भी हमको -2 लाना है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, गेन कर दिए। Cu2+ है, ये कॉपर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि अकेला आइटम के पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0। और Cu2+ है, मतलब क्यूप्रिक आयन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2+। तो यहाँ पर 2+ है, इसके पास 0 है, तो Cu2+ आयन को न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, गेन कर दिए। तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव क्या हो गया, मिलकर कैंसिल आउट। फिर हमारा क्या है, फेरिक आयन। Fe3+ को प्यार से क्या बोलते हैं, फेरिक आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन किए, तो गेन करने से अब Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन किए, तो इसका मुंडी पर 1 नेगेटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव में से 1 इलेक्ट्रॉन घटा दी, तो इसका मुंडी पर कितना बचा, 2 पॉजिटिव। तो Fe2+ को प्यार से क्या बोलते हैं, फेरस आयन, फेरस आयन। इस तरह से हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खत्म हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में।